के नेतृत्व में एक जुट होकर के चुनाव लड़नी है। आप सब साथी आने वाली 30 तारीख को भाई पवन बेनीवाल जी के समर्थन में कांग्रेस का हाथ पे निशान पे बटन दबा करके उसको विजय बनाने का प्रयास करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व सरपंच भाई कुलदीप बाना जी को कि अपने विचार रखें। मेरा जी का गांव बकरियावाड़ी में सभी बुजुर्गों और सभी नौजवान साथियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच हमारे इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ देने के लिए मीणा साहब पहुंचे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी जो हमारे ग्रामवासी हैं, मीणा साहब जो भी पार्टी के लिए संदेश लेकर जाए उन पर उन विचारों पर अमल किया जाए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। धन्यवाद। अब मैं मीणा साहब से कहूंगा कि वो अपने धन्यवाद। बूंदी जिले में नैमा सीट होती थी, वहां से विधायक रहे, उसके बाद परिसीमन में वो सीट खत्म हो गई तो फिर टोंक जिले की देवली उनियारा से विधायक रहे, कोटा से दो बार सांसद रहे और अभी वर्तमान में कोटा में पिपलदा विधानसभा वहां से विधायक हैं। और लंबा राजनीतिक अनुभव है इनका, इन्होंने सरपंच से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और राजस्थान विधानसभा की जब पिछले दो कार्यकाल में विधानसभा उपाध्यक्ष भी थे, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए किसान गरीब मजदूर के मसीहा है, राजस्थान में इनका बड़ा नाम है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और एक बार उनका दोनों तालियों से स्वागत करें। लेकिन आज स्थिति क्या है मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, वास्तविकता आप भी जानते हो। देश का विकास ठप हो गया है, बच्चों की नौकरियां खत्म, किसान को लॉलीपॉप, किसान का तो फिर वाले संपत्तियां क्यों बेच दिया? आपकी तरफ क्या कहा होता मैं नहीं कहता, कोई आदमी किसी के मकान के सामने रस्ते से गुजरे वो क्या मेरे मकान के बाहर से झगड़ा होता है, माध्यम लोग कहता तेरे पिताजी का सड़क देखे इस सरकार की है हमारे सब की है। 4,500 किलोमीटर हमारी भारत सरकार ने भी सड़कें बेच ली, कितनी बेचे किसका कोई खर्चा है आपको हमको नहीं है। बीपीसीएल पेट्रोल कंपनी इतना फायदा दे रही थी उसको घाटे में क्यों लाया जा रहा है, उसको क्यों किया गया, रेल की पटरी क्यों बेची जा रही है, बड़े बड़े एयरपोर्ट हमारे जयपुर का एयरपोर्ट भी दी गया और हमारे जयपुर का नहीं हमारे देश का है, हम सबकी संपत्ति है, आपका भी अधिकार है। मैं इस बटन का टैक्स देता हूँ, आप बालों में तेल डालने का टैक्स देते हो, चप्पलों का टैक्स है, सब चीज का टैक्स है, फिर जब हम सबका टैक्स इकट्ठा होता है तो उसको सेटो कर दो, कर्जे माफ किए जाते हैं, बैंकों को कमजोर किया गया है, इंदिरा जी ने बैंकों को पिछले रास्ते कर दिया था, गरीब मोची को भी उससे ऋण मिल सके, ऊंची पत्तियों के चुगल से कैसे गरीब आदमी निकले ये बहुत सी बातें हैं, मैं दिक्कत है इससे ज्यादा आप जानते हो। आज किसान संघर्ष कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं आप भी जानते हो, भी जानते सब जानते हैं, लेकिन एक मुद्दे की बात करना चाहता हूं। मुझे समाचार मिला कि आपके दसवें कसूर में शुरू होने का मैं आऊंगा, मैं नहीं आता तो मेरी जबान की पावर भी नहीं है ना,
जब भारत सरकार कहती है और कहती है कि इसमें व्यक्ति का नहीं है, आज किसकी सरकार है, मोदी जी है, कोई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जैसे कुछ संपत्ति को बेचा होगा, लेकिन गरीब के खिलाफ आदेश को नहीं निकाल सकते। आज के प्रधानमंत्री जी जलील कर रहे नेताओं को, जो कभी सत्ता में नहीं था उसको एक दफा एमएलए बनते चीफ मिनिस्टर बना देते, जलील कर रही जो स्थितियां बनी हुई है उसको मैं नहीं चाहूंगा। लेकिन भारत सरकार ने सब ओवरडिटीज के लिए कहता है ससु इस भाव, नरमा इस भाव, ये भाव इस भाव। जब गेहूं का 1975 की बात कर रखी है तो फिर मंडी में उससे एक रुपया नीचे भी क्यों बिके, 1500 में क्यों बिके, 2000 में क्यों बिके, या फिर कह दो उस ऑर्डर को उठा कर। एक मुख्य मार्केट आपकी, बाकी बहुत से मानी होती है, तो कश्मीर करने मंत्र है, देश कमजोर हो रहा है, हम कह रहे हैं देश मजबूत हो रहा है। जब हमारी जमीन में से कुछ जमीन बेचेंगे, फिर बच्चे बेचेंगे, तो दूसरों के खेत में काम करने का आएगा। तो जो संपत्तियां बेची जा रही, बहुत सी चीजें बेची जा रही है, तो इनको झटका देना जरूरी है, सतर्क करना जरूरी है, मजबूत करना जरूरी, रास्ता खराब है करके भैया इस रस्ते से मत जा। तो जब रास्ता खराब चुन रखा है, पहले मनमोहन सिंह जी भी थे विश्व के ईमानदार आदमी थे, नहीं कहते उन्होंने कैसा राज किया, हम उसके बाद नहीं जाना चाहते, बात है। फिर आज भ्रष्टाचार बेईमानी क्यों बढ़ रही है, सारी चीजें मिलाकर एक ही नतीजे में मैं व्यक्तिगत पहुंचता हूं। आप सब समझदार हैं, अपना निर्णय आप लें, क्योंकि मैं तो बरसों से कांग्रेस में हूं, सबसे पुरानी पार्टी है, देश की आजादी में भी एक एजेंडा था, कोई फिरका नहीं था, लेकिन अब बहुत सी पार्टियां हो गई है, लेकिन देश तो एक ही है। तो जो सत्ता के मद में मद चूर है, अरबों खरबों के कर्जे पूंजीपति के माफ हो रहे, हालांकि चुनाव स्टेट का है, लेकिन इससे झटका लगेगा, दिल्ली नजदीक है और दिल्ली की गद्दी हिले, सोचने को मजबूर हो तो किसान का भी फायदा हो सकता है, दिमाग में आ सकता है भ्रष्टाचार बढ़ गया क्या, इसलिए हम हारे हैं। चीज एक है और अभी से इन लोगों समझदार आदमियों को खाता करना चाहिए, किसी और को खड़ा कर देते, परिवार वाले को खड़ा कर देते, तकलीफ खाते। तो सत्ता लुभता है, हमें बहुत सी दफा टिकट नहीं मिला, कारण रहा हमें नहीं मिले, ये सही है, एक दल से चुनाव ले रहे हैं, लेकिन दो चार दफा का टिकट भी कटा होगा, कभी कोई खास नुकसान हुआ होगा, जवान की पापन। और ये हरियाणा हम आपकी तरफ देखते हैं, हमें आपसे आशा है कि आप कोई मजबूत कदम उठाओगे तो सरकार को थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा, जो कर कुछ नहीं रहे और जो कुछ करते तो आज किसान का 75,000 रुपये एक ही आदमी के ऊपर कर्जा नहीं होता, कुछ करते तो उद्योग धंधे बहुत ज्यादा बढ़ जाते, कुछ करते हैं तो किसान को सोचने को मजबूर नहीं होना पड़ता है कि बच्चे बच्चों का कैसे लालन पालन करें, किसान को सोचने को मजबूर नहीं होना पड़ता कि पूंजीपति की चीज में क्या संपत्ति बढ़ रही है, कोरोना में भी किसान कमजोर क्यों होती जा रही बात काफी ज्यादा है। बहुत सी बातें हैं, नजदीक नहीं करना चाहूंगा, आप समझदार हो, ये मजबूती से झटका देने का मौका है, समझाने का मौका है, समझाना है। और कांग्रेस आज भी नेशनल पार्टी है, देश में भी इसको मानते हैं, देश में भी मानते हैं, और ये स्थितियां रही तो बीजेपी को कमजोर नहीं करेंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, देश कमजोर हो जाएगा, कहना आसान है, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, माँ बाप बच्चे बच्चों का खर्च ऐसा है, उसको नौकरी भी मिले, कहीं ये सोचने को मजबूर होना पड़ता है। आप समझदार है, मैं भी कहूंगा तो मैं समझदार बनने की कोशिश करूंगा, मुझे तो आपसे सीखना चाहिए, क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ, आपका हूँ, अपना हूँ, और इस सौभाग्य है कि मैंने आपके दर्शन किए। मैं विनम्र विनती करूंगा,
क्या कांग्रेस का साथ दीजिए, जो लोग सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए उनको समझाइए ताकि हम मजबूती से संघर्ष कर सके और जो देश को आगे बढ़ने की बात करके पीछे ले जा रहे हैं, जो देश को मजबूती पकड़ने की बात कर रहे हैं वो संपत्ति को तक को बेच रहे हैं। बहुत सी बातें अभी करने की आवश्यकता नहीं। मौत ठीक तब होगा जब जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों पर उनको सजा मिले, ये मुझे कहना है। और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझे होंगे, पहले से आप समझते हो कि मैं कुछ कहना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई हमारे खेत में ट्रैक्टर चलाने नहीं आता, लेकिन हम झटका देंगे तो प्रजातंत्र का वास्ता है और प्रजातंत्र में हमें कुछ न कुछ देश हित में करना चाहिए। देश हित यही है कि जो शासन कर रहे हैं उनको थोड़ा सोचने को मजबूत होना पड़े, मजबूत होना पड़े, क्योंकि शासन करने वालों के पास वोट नहीं है, वोट जनता के पास है, आपके पास है। देश आप चलाते, आपके नाम से राज करते हैं। नरेंद्र मोदी जी यदि पार्लियामेंट मेंबर नहीं होते तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, डॉक्टर साहब एमएलए नहीं होते तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। कानून है, उनको पता चले कि हम बिना वोट के राज नहीं करेंगे, इसलिए उनको झटका देना जरूरी है ताकि हमारी ताकत बढ़े, जो कि सुखे किसानों से बात हो सके। और कठिन पहली मंत्री ने जो कहा है अखबारों में, हमने ये उल्लेख कर दिया, तो उसको मंडी में भी लागू करो, ये मेरा आपसे अर्ज कर रहा है। और इसी आशा विश्वास के साथ भी तो आपके मैं उपस्थित हुआ हूँ, जैसा मैंने कहा मैं आपका हूँ, इसलिए अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भाषण नहीं दे रहा, समझा नहीं रहा, मैं अपने मन की बात आपसे कह रहा हूँ। बाकी आप सब समझते हैं, समझदार हैं, परिवार के हमसे बुजुर्ग हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप इस भावना को समझेंगे और अपना निर्णय कांग्रेस के पक्ष में पंजे में बटन दबा कर देंगे, यही मुझे विश्वास। इसी के बाद मैं प्रभाव समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, प्रणाम, आभार।